सुप्रभात बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपकी हिंदी टीचर पूजा सिंह आज आपकी पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम भाषा अधिगम में पाठ एक वर्ण पढ़ेंगे। तो चलिए आप पाठ एक खोलिए। तो आइए बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, जैसे माँ, माँ से हम मम बोलते हैं, फिर मम से मम्मा बोलते हैं, मम्मा से हम दद्दू बोलते हैं, दद्दू से हम पापा बोलते हैं। इस तरह हमारे मुख से अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कि पक्षियों की आवाज़ निकलती है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ निकलती है, वाहनों की आवाज़ निकलती है और मोबाइल फ़ोन की भी आवाज़ निकलती है। इसी तरह हम ध्वनि के माध्यम से वर्ण या अक्षर पढ़ते हैं। तो आइए आप अपनी पुस्तक में देखिए। बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब हिंदी में आपको अ आ ई ई क ख ग तथा अंग्रेजी में ए बी सी आदि सिखाया जाता है। व्याकरण में इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। इन्हीं वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हिंदी वर्णमाला को दोहरा लेते हैं हम लोग। नीचे देखिए लिखा है स्वर। स्वर पढ़ते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, ओ से औरत। ये हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अंग और अह ये अयोगवाह हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। इनकी गिनती अब स्वरों में होने लगी है। तो आइए बच्चों, पृष्ठ संख्या 6 पर हम व्यंजन पढ़ते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग में कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इम में कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, आड़ा में कुछ नहीं, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, व से वन, श से शरबत, श से षटकोर, स से सब्जी, ह से हल। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। ण और ढ ये ड और ढ के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी अब व्यंजन में होने लगी है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 क्या है, स्वर है, और 35 क्या है, व्यंजन है। इन दोनों को जब जोड़ दिया गया है तो 46 वर्ण होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अंगा, इया, ड़, इनका प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है। आइए बच्चों, पृष्ठ संख्या 7 पर सबसे ऊपर देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से जुड़कर बना होता है, आइए हम पढ़ते हैं। क, क के नीचे हलंत, जमा श को जोड़ेंगे तो बनेगा छ। त के नीचे हलंत, जमा र, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा त्र। ज के नीचे हलंत, जमा इया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञ। श, श के नीचे हलंत,
जमा र, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा श्र। अब इनसे बने अक्षर देखते हैं। छ से क्षमा, कक्षा, अक्षय। त्र से शब्द बनेंगे पत्र, मित्र, त्रिभुज। ज्ञ से शब्द बनेंगे ज्ञान, यज्ञ, ज्ञापन। और श्र से शब्द बनेंगे श्रम, श्री, श्रमिक। इसके नीचे आते हैं बच्चों, लिखा है स्वर और मात्रा। हम लोग स्वर और मात्रा पढ़ते हैं। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्रा होती है। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है तब स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार की हैं। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखा है स्वर, यहाँ पर लिखा है मात्रा, यहाँ पर मात्रा का प्रयोग। अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसे शब्द बना है कल। आ, आ की ये मात्रा है, इसे शब्द बनेगा काम। ये ई, देखिए ई की मात्रा है, हमेशा आगे से लगती है, इसे शब्द बना है किसान। ये है ई, ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगाते हैं, इसे शब्द बना है कीमत। ये है ऊ, ये ऊ की मात्रा है, इसे शब्द बना है कुछ। ये है ऊ, ये ऊ की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा कूप। ये री है, ये री की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा कृषि। ये ए है, ये ए की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा केला। ये ए है, ये ए की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा कैसा। ये ओ लिखा है, ये देखिए ओ की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा कोई। ये लिखा है औ, ये औ की मात्रा है, इसे शब्द बनेगा कौन। यहाँ पे देखिए अ का प्रयोग पंचम व्यंजन अंग इया ड और न म के लिए होता है, और अह का प्रयोग ह से मिलती जुलती ध्वन के लिए होता है। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप आगत को, यानी अ के ऊपर देखिए एक ऐसे चंदे की बिंदी की तरह बना हुआ है, इसको हम आगत की मात्रा बोलते हैं, तो आगत को भी हिंदी में अपना लिया गया है। जो आते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर, सबसे ऊपर देखिए अभ्यास कार्य हो तो कर दिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। नंबर 1 है, छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है, क्या बोलना सीखता है छोटा बच्चा, म। दूसरा प्रश्न है, अ आ इ ई क ख ग आदि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण। नंबर 3 है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 11। नंबर 4 है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, कितने व्यंजन हैं, 35। नंबर 5 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र आदि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। नीचे देखिए लिखा है नंबर ख, नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे देखिए अ, यहाँ पर अ से शब्द बना है अनाज, अखबार। ई से शब्द बना है इमारत, इंजन। ओ से शब्द बना है मोर, चोर। क से शब्द बना है कमल, कबूतर। प से शब्द बना है पवन, पतंग। ट से शब्द बना है टमाटर, टाफिया। ल से शब्द बना है लड़का, लकीर। अब आते हैं बच्चों पृष्ठ संख्या 9 पर, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग, संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। तो आइए हम संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाते हैं। छ से क्या बनेगा, छतरी, क्षमा। त्र से क्या बनेगा, पत्र और मित्र। ज्ञ से क्या बनेगा, ज्ञान और यज्ञ। श्र से क्या शब्द बनेगा, श्रमिक और श्रम। नंबर घ है, बोलकर पढ़ो, इसको बोलकर पढ़ना है हमको। लिखा है किसान, प्रशंसा, शासक, कृषक, विशेष, वेशभूषा, बाढ़, वृक्ष, त्रिकोण। अब आते हैं अंग पर बच्चों, लिखा है शब्द बनाओ। क्या, आधा क है या है, इसे शब्द बनेगा क्यारी। नंबर 2 पे है आधा प ता, इसे बनेगा सप्ताह। नंबर 3 पे है चच,
इससे शब्द बनेगा अच्छा। नंबर 4 पे है कक, इससे शब्द बनेगा मक्का। नंबर 5 पे है खत, इससे शब्द बनेगा शक्त। नंबर 6 पे है ग्य से 11। नंबर 7 पे त्य यानी सत्य। नंबर 8 पे है प्या यानी प्यासा। नंबर 9 पे है गग यानी दुग्ध या द्वंद्व होगा। नंबर 10 पे है घन यानी कृतज्ञ। अब आते हैं च पे। देखिए, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर शब्द बनाएंगे, देखिए नंबर 1 पे लिखा है आधा ब जमा आ जमा ज के नीचे हलंत है यानी आधा ज जमा आ, सबको जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा बाजा। नंबर 2 पे है आधा क जमा अ जमा आधा म जमा अ जमा आधा ल जमा अ, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कमल। नंबर 3 पे है द, द के नीचे जब हलंत लगता है तो आधा द बोला जाएगा, क्योंकि द से हम लोग स्वर को अलग कर दे रहे हैं इसीलिए आधा द इसको बोलेंगे। द जमा उ जमा क के नीचे हलंत है, जमा आ जमा न, न के नीचे हलंत है जमा अ, सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दुका। इसी तरह नंबर 4 पे है कलाकार और नंबर 5 पे है उल्लू। अब बच्चों आते हैं पृष्ठ संख्या 10 पर। सबसे ऊपर देखिए लिखा है छ, मात्रा पहचानो और बोलो। यहाँ पर आपको मात्रा पहचानना है और बोलना है। देखिए क पे एक ही मात्रा लगी है तो क्या होगा के ला। फ, फ पे बड़ाओ की मात्रा है फू ल फूल। त, त पे आ की मात्रा ता, लपा की मात्रा ला, क्या होगा ताला। म, म पे आ की मात्रा मा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, क्या होगा माली। क, ल पे बड़ी की मात्रा ली, क्या होगा कली। ये है क, क पे छोटी की मात्रा की स, सपा की मात्रा सा, न, क्या होगा किसान। आता अब नंबर ज, ज पर है स्वयं लिखिए। ये आपका होमवर्क है यानी गृह कार्य है, इसको आप स्वयं देख देख कर लिखेंगे। जैसे कंघा लिखा है तो कंघा को देख के आपको लिखना है, झंडा लिखा है तो झंडा देख के लिखेंगे, राया देख के लिखेंगे। इसी तरह ये सारे शब्द दिए गए हैं, इसको आप देख कर स्वयं लिखेंगे। ये आपका पुस्तक कार्य आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।